जय हिंद स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड और चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है, एंड वी आर डूइंग और एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं. तो यहां पर हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. इन अ ईयर सीमा अर्न करती है, कितना कमाती है? ₹1,50,000 ये उसकी अर्निंग है. एंड सेव्स मतलब कितना सेविंग करती है, सेविंग कितनी करती है वो 50,000. 1,50,000 वो अर्न करती है एंड सेविंग है इसकी 50,000. फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो फाइंड करना है मनी दैट सीमा अर्न्स, किससे, जितना वो कमाती है टू मनी शी सेव्स. ठीक है, अर्निंग का एंड सेविंग का हमें रेशियो फाइंड करना है. मनी दैट शी सेव्स, बी पार्ट में हमें क्या करना है, सेविंग का एंड सी स्पेंड, और जो वो स्पेंड करती है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमें गिवन है वो राइट करेंगे. टोटल अर्निंग हमें गिवन है, टोटल अर्निंग इक्वल टू ₹1,50,000. ओके, एंड सेविंग गिवन है ₹50,000 वो सेव करती है. एंड नाउ वी विल फाइंड मनी स्पेंड, कितना वो खर्च करती है. मनी स्पेंड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. अर्निंग में से हम सेविंग्स माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी मनी वो खर्च करती है. ₹1,50,000 माइनस ₹50,000, दोनों को माइनस करेंगे. 1,50,000 माइनस 50,000 इज 1,00,000. ओके, तो कितना आया मनी स्पेंड, 1,00,000. अब हमें क्या करना है, ए पार्ट हम फाइंड करते हैं. हमें गिवन है क्या फाइंड करना है, मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी शी सेव्स. सो वी विल राइट रेशियो ऑफ, रेशियो फाइंड करना है हमें, रेशियो of money earned to money saved, to money saved. कैसे करते हैं हम find, earning हमारी है 1,50,000, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, जी 1,50,000. ओके, एंड सेविंग इज 50,000. अब ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे एंड इस 0 से ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, 5 × 5 एंड 5 × 3 = 50. तो आंसर इज 3:1, 3:1. अब इसी टाइप से हम बी पार्ट करते हैं, रेशियो ऑफ मनी सेव टू मनी स्पेंड. रेशियो ऑफ मनी सेव टू मनी स्पेंड. कितना आएगा, सेविंग कितनी है 50,000, तो हम 50,000 लिखेंगे एंड देन डिवाइड में क्या आएगा, अपॉन में आएगा हमारा मनी स्पेंड 1,00,000. ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 × 5 एंड 5 × 2 = 10. 1:2, 1/2 आया, तो इसको हम किस टाइप से राइट करेंगे, 1:2. तो दिस इज द आंसर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम. एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 12 इज कॉस्ट ऑफ अ डजन पेंस इज ₹180. ठीक है, अ डजन मीन्स 12 पेंस की हमें कॉस्ट, वन डजन में कितने होते हैं 12, सो अ डजन पेंस इज ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेंस की कॉस्ट हमें गिवन है ₹56. फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन.
टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। ठीक है, तो हमें रेशियो फाइंड करना है, कैसे, कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। ठीक है, तो एक पेन एंड वन बॉल पेन का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स मीन्स 12 पेन्स, 12 पेन्स की हमें कॉस्ट गिवन है ₹180। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, वन पेन की कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन। 12 पेन की कॉस्ट हमें गिवन है 180, वन पेन की कॉस्ट क्या होगी, डिवाइड करेंगे हम रुपीज 180 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, किससे करेंगे 180 को 12 से, कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स रुपीज 180, कॉस्ट ऑफ वन पेन रुपीज 180 अपॉन 12, तो कितना आएगा डिवाइड करके, जब हम 180 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50। ओके, हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट कितनी है ₹56 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल पेन की क्या होगी ₹56 डिवाइडेड बाय 8, यहां पर हमने 12 से डिवाइड किया था, यहां पर हम 8 से करेंगे, तो कितना आएगा डिवाइड करा के, 8 7 56, 7 रुपीज, एक बॉल पेन की 7 आई एंड वन पेन की कॉस्ट कितनी आई ₹15। तो हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। ठीक है, सो वी विल राइट हियर रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, अ बॉल पेन, तो पेन की कॉस्ट कितनी है ₹15। ठीक है, एंड वन बॉल पेन की कितनी है, वन बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है ₹7। रेशियो फाइंड करना है हमें, तो कितना आया 15:7। ठीक है, 15:7, सो दिस इज द आंसर।